दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुकेश पंचोली चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे जोधपुर। जोधपुर दोस्तों जिला जिसे सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर जिले को। जोधपुर जिले के अंदर दोस्तों मीठे पानी की नहरों की बात आती है या मीठे पानी की झीलों की बात आती है तो दो झीलों का नाम मुख्यतः आता है दोस्तों, जिसमें एक आती है आपकी बालसमंद झील और एक आती है आपकी कायलाना झील। सबसे पहले अपन बात करेंगे बालसमंद झील। बालसमंद झील का जो निर्माण है दोस्तों वो 1159 इसमें में बालक राव प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा किया गया था। इस झील के किनारे दोस्तों एक तो जनाना बाग निर्मित है और एक दोस्तों इस झील के किनारे महाराजा सूरत सिंह के द्वारा अष्ट खंबा महल का निर्माण किया गया। सेकंड दोस्तों, जोधपुर जिले की जो मीठे पानी की झील है वो है दोस्तों आपकी कायलाना झील। कायलाना झील का निर्माण दोस्तों 1872 में किया गया था दोस्तों महाराजा सर प्रताप सिंह के द्वारा, इसलिए दोस्तों इसको सर प्रताप सिंह झील के नाम से भी जानते हैं। कायलाना झील का निर्माण दोस्तों जोधपुर की दोस्तों जल आपूर्ति के लिए किया गया था, पेयजल की आपूर्ति के लिए दोस्तों इस झील का निर्माण किया गया था। और दोस्तों कायलाना झील जो है वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो पानी है वो राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से इसमें डाला जाता है। कायलाना झील के नजदीक है दोस्तों आपका माचिया सफारी पार्क, जो देश का प्रथम वनस्पतिक उद्यान है। इसी के साथ साथ दोस्तों कायलाना झील के नजदीक है कागा की है तो वहाँ पे छत्रिया, जहाँ पर राठौड़ों का देह संस्कार होता है दोस्तों, साथ साथ कागा में दोस्तों शमशानों का मेला भी आयोजित होता है। ये थी दोस्तों जोधपुर की दोनों मीठे पानी की झीलें। ओके, दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोज के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहे दोस्तों। आप सबका दिन शुभ रहे दोस्तों, धन्यवाद।